अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ लोग अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को ट्रोल कर रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन पर तंज कसते हुए कहा कि आप मुझे मिस कर रहे हैं ना। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महीने पुराने इस वीडियो में जो बाइडन कहते नजर आ रहे हैं कि अफगान सेना 3 लाख सैनिकों के साथ पूरी तरह से मजबूत है। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. अब आपको बता दें कि उसी अफगान सेना ने तालिबान के साथ सिर्फ 10 दिनों की लड़ाई में ही घुटने टेक दिए हैं। अब अचानक सोशल मीडिया पर यूजर्स मिसिंग डोनाल्ड ट्रंप लिखकर ट्वीट कर रहे हैं। अफगानिस्तान का ये हाल देख लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो आज ऐसी स्थिति ना होती। वैसे अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों सत्ता आने के बाद अब खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन पर निशाना साधा है। दरअसल जो बाइडन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से अचानक वापस बुला लिया, जिसके बाद तालिबान ने लगभग वहां दोबारा अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान के काबुल में कब्जा करते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप ने कहा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाए बिना काबुल का पतन अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार में से जाना जाएगा। उन्होंने व्यंगात्मक रूप में आगे कहा कि बाइडन ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी होने दिया वो लेजेंडरी है, ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक होगी। ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसा वक्त है जब बाइडन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने वो सब होने दिया जो नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि अब तालिबान काबुल में अमेरिकी दूतावास से हमारा झंडा हटाकर अपना झंडा फहराएगा। ये मौजूदा सरकार की कमजोरी, अक्षमता और पूरी रणनीति का असफल होना है। वहीं एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, अगर मैं विदेश मंत्री होता और ट्रंप जैसा कमांडर इन चीफ होता तो तालिबान को समझ में आ जाता कि अमेरिका के खिलाफ जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी तक काबुल में चल रहे घटनाक्रम पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडन कैंप डेविड में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी फौज के लिए काबुल छोड़ने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन उससे पहले ही तालिबान का कब्जा राजधानी काबुल पर हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब $2 ट्रिलियन खर्च किए। तालिबान के साथ लड़ाई में करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बावजूद इस लड़ाई का कोई निर्णय नहीं निकल पाया और तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर हावी हो गया है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.